सब्सक्राइब करें एग्रीवेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले एग्रीवेट की नए वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों एग्रीवेट की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम मीकोवेट के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, मीकोवेट इंजेक्शन के बारे में, जो प्लेन इंजेक्शन आता है उसके बारे में। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, वो वीडियो भी दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन जो होता है ये बहुत सारी ऐसी समस्याओं में पशुओं के अंदर दिया जाता है, उसी पे आज हम बात करेंगे कि पशुओं के अंदर कौन कौन सी ऐसी भयानक समस्या है जिसके अंदर हम इस मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में दुधारू और गाभिन पशु में इसका उपयोग के बारे में दोस्तों बात करेंगे, कितने मात्रा में पशु को देना है उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये मीकोवेट इंजेक्शन जो है यह एक विटामिन का इंजेक्शन। साथ में अगर हम बता दें दोस्तों कि मीकोवेट प्लेन के अंदर सिर्फ मिथाइलकोबालामिन 500 माइक्रोग्राम था दोस्तों, जो कि मिथाइलकोबालामिन जो मीकोवेट एक्सएल है उसके अंदर 2500 माइक्रोग्राम है दोस्तों। साथ में उसमें क्या था कि प्लेन वाले मीकोवेट में उसमें विटामिन B3 और विटामिन B6 जो थे 50 mg एक्स्ट्रा डाला हुआ था दोस्तों, जो कि इसमें सिर्फ मिथाइलकोबालामिन ही है 2500 माइक्रोग्राम इस मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन के अंदर दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि इसे हम कौन कौन सी ऐसी भयानक जो बीमारियां होती है पशु के अंदर उसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो नर्वाइंस प्रॉब्लम जो होते हैं, नस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे डाउनर काउन सिंड्रोमा हो गया, पैरालिसिस हो गया, हमारे जो गाय भैंस हैं उसको नस की कमजोरी हो गया है, उसकी वजह से उठने बैठने में तकलीफ है, या कमजोरी की वजह से उठने बैठने में तकलीफ है, या नस में किसी वजह से चोट लगने की वजह से उठने बैठने में तकलीफ है, उन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। साथ में लीमनेस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों पशु के अंदर नस में अगर दर्द है, पीछे वाले पैरों में जो नस हो जाता है चढ़ जाता है, उसकी वजह से उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, जिससे कि पशु के जो दोस्तों पिछले पैर होते हैं वो पिछले पैर से नंगरा कर चलने लग जाता है, वैसे में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेमनेस में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों एनोरेक्सिया में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कीटोसिस में कर सकते हैं दोस्तों। एनोरेक्सिया दोस्तों कीटोसिस जैसा ही, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों पशु जो होता है खाना पीना कम करते चला जाता है, सूखा खाना ज़्यादा खाना पसंद करता है, और वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते चला जाता है, उसका वजन काफ़ी घट जाता है दोस्तों एनोरेक्सिया में। साथ में आप कीटोसिस में दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में एनीमिया में कर सकते हैं दोस्तों। मिथाइलकोबालामिन जो होते हैं दोस्तों खून के जो अंदर RBC सेल जो होता है उसको काफ़ी तेजी से ग्रोथ करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि एनीमिया जिसमें खून की कमी जानवर को हो जाता है उसमें खून बढ़ाने में ये जो है मिथाइलकोबालामिन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ में दोस्तों वीकनेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पशु किसी भी वजह से कमजोर होते चला जा रहा है, या बीमारी के इलाज करने के बाद वो स्ट्रेस में है, या ऑफ फीड हो गया है या कमजोर हो गया है काफ़ी ज़्यादा किसी बीमारी के इलाज करने के बाद, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में वेट लॉस करते चला जा रहा है, उसका वजन काफी घटते जा रहा है दोस्तों, उसमें आप मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। साथ में दोस्तों सिंपल इंडाइजेशन जैसे में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है कई बार कि दोस्तों हमारे जो पशु होते हैं मौसम बदलने की वजह से, फीड बदलने की वजह से, हरा चारा बदलने की वजह से, या दोस्तों बीमारी के इलाज करने के बाद जो होता है वो ऑफ फीड में चला जाता है, ऐसे में आप उसको मीकोवेट एक्सएल इंजेक्शन आप उस जो है पशु को आप दे सकते हैं दोस्तों इसका खास ज़्यादातर उपयोग जो होता है लीमनेस में होता है, नस में दर्द, नस में कमजोरी की जितने भी समस्या होती है, जानवर जो होते हैं दोस्तों पिछले पैर से उठने बैठने में उसे काफ़ी तकलीफ होता है, नस की कमजोरी होता है, उसमें ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों मीकोवेट एक्सएल का। अगर आपके जो पशु के अंदर डाउनर काउन सिंड्रोमा हो गया, पिछले भाग से उठ बैठ नहीं रहा है, पैरालिसिस जैसे कंडीशन हो गया है, नस की कमजोरी हो गया है दोस्तों, उसके अंदर नस में दर्द हो रहे हैं, ऐसे में इसका ज्यादा उपयोग होता है दोस्तों, क्योंकि जो है मिथाइलकोबालामिन जो मीकोवेट एक्सएल है दोस्तों थोड़ा महंगा इंजेक्शन आता है, इसलिए सभी तरह के जो सिंपल जो डिसीज है उसमें इसका इस्तेमाल कम होता है, ज्यादातर जो होते हैं
नस से प्रॉब्लम वाले जितने भी भयानक बीमारी है दोस्तों, पशुओं को उठने बैठने में तकलीफ हो रहा है, पैरालिसिस हो गया, नस की कमजोरी हो गया, उन जैसे बीमारी में इसका ज़्यादा उपयोग दोस्तों होता है। दोस्तों अगर हम डोज की बात करें तो इसका डोज जो है नॉर्मल बीमारी में आप 5 से 10 ml कर सकते हैं, पर दोस्तों जो हमारा जो जानवर होता है नस की कमजोरी हो, उसके नस के दर्द होने लगते हैं, उठने बैठने में तकलीफ होता है, उसमें आप NS या DNS के साथ आप दोस्तों इसको 25 से 30 ml दे सकते हैं। उसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिथाइल कोबालामिन जो मेकोवेट XL का आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दोस्तों मिलेगा। इसलिए दोस्तों सिंपल जो डिसीज है केटोसिस हो गया, एनीमिया, वीकनेस है, इस सब में दोस्तों आप 5 से 10 ml दे सकते हैं, पर जो हमारा जानवर है उठने बैठने में उसको तकलीफ हो रहा है, नस की ज़्यादा कमजोरी है, उसके अंदर ज़्यादा वीकनेस है और वो पिछले भाग से उठ नहीं रहा है या पिछले भाग से नंगरा के चल रहा है, उसमें आप दोस्तों 25 से 30 ml NS या DNS के साथ अपने पशु को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों छोटे पशु में अगर हम बात करें दोस्तों काफ, सीप और गोट के अंदर, तो आप 1 से 2 ml आप उसको इंट्रामस्कुलर IV दोनों रूट से आप दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर NS DNS चढ़ाते हैं उसके साथ आप इसको मिथाइल कोबालामिन जो है मिकोवेट XL को आप पशु बड़े पशु में चढ़ा सकते हैं NS या DNS के साथ। दोस्तों कि आप इसको कितने दिनों तक दे सकते हैं, तो दोस्तों इस पशुओं के कंडीशन देखने के बाद ही इसका जो है दोस्तों जितना दिन तक ज़रूरत हो पशु को उतना दिन तक लगातार आप दे सकते हैं। ये नहीं है कि एक दिन या दो दिन दे के किसी तरह का डोज बांधा हुआ है, आप जब तक उसके अंदर किसी भी बीमारी के कंडीशन देख लीजिए उस हिसाब से इसे आप देते रहिए पशुओं के अंदर। पैरालिसिस में तो इसको सर दोस्तों 5 से 7 दिनों तक देना पड़ जाता है, उसमें आप 5 से 7 दिन तक लगातार आप दे सकते हैं। दुधारू और गाभिन पशु की बात करें तो दोस्तों, तो आप दुधारू पशु में इसको दूध बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है विटामिन का इंजेक्शन है, दूध कम नहीं करता है बल्कि दूध बढ़ाने में आपको मदद कर सकता है। साथ में गाभिन पशु में अगर हम बात करें दोस्तों, तो गाभिन पशुओं के अंदर हेल्थ बढ़ाने में, बॉडी वेट बढ़ाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में जो मिल्क प्रोडक्शन, अगले ब्यांक में जो मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको बढ़ाने के लिए आप इस मल्टीविटामिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं आने वाला अगला वीडियो में, तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।